बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस यूनिट क्लास 8 में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है बच्चे? यस, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 आइडेंटिकल नंबर्स द आंसर, जब हम 3 नंबर्स को एक जैसे नंबर्स 3 नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमें क्यूब दे देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हमने कहा था परफेक्ट क्यूब्स कौन से होते हैं। तो परफेक्ट क्यूब्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो 3-3 के पेयर्स बन जाएँ तो वह हमारे पास परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। आज हम करते हैं क्यूब रूट। आपको मैंने होमवर्क दिया था, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, ओके, -8 यानी कि आपके पास नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड करना है। तो कैसे हमने करना था? क्यूब ऑफ -8 मल्टीप्लाई 3 टाइम, 8 8 64, माइनस माइनस प्लस, देन 64 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस माइनस माइनस, 512 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन आपके पास क्या था? 3/19 हमने 3 टाइम लिख लिया और उनके न्यूमिरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3 टाइम न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई हो तो 27 आ जाता है। 3 3 9, 9 3 27, 19 49, तो 27 डिवाइडेड बाई 6,859। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि आपने ऐसे ही किया होगा, तो आप चेक कर लें अपने होमवर्क के साथ, कंपेयर कर लें इसको। ओके, आज हम स्टार्ट दैट आर परफेक्ट क्यूब। इफ एन इज अ परफेक्ट क्यूब देन फास्ट सम इंटीजर एम n is equal to m cube. Here the number m is called the cube root of a n. ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपको कहते हैं जिस तरीके से हमारे पास स्क्वेयर रूट क्या था कि हमारे पास उसकी हमारे पास स्क्वेयर रूट क्या था कि अपोजिट हमारे पास था ना, अपोजिट थे कि हमारे पास जो स्क्वेयर हो जाते हैं और फिर स्क्वेयर के रूट यानी कि वो जो स्क्वायर है वो कौन से दो नंबर से मिल के बना था, वो आपका वो जो नंबर था वो स्क्वायर कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। इसी तरह क्यूब रूट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाता है कि हमारे पास 3 नंबर्स आ जाते हैं। जब हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्यूब आता है। तो अब वो जो क्यूब का आपके पास आंसर आ गया है n इज इक्वल टू एम क्यूब। अब जो आपके पास नंबर है वो जो m है यानी कि वो नंबर कौन से नंबर से, कौन से 3 नंबर्स को आइडेंटिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बनता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? क्यूब रूट आ जाता है। यानी कि यहाँ पे m क्या है? m आपके पास क्यूब रूट है n का। अब देखिए एग्जांपल क्या है, m इज़ फॉर एग्जांपल 5 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 125 बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम गिव 125। जब आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या आंसर देता है? 125। इफ़ एम इज़ अ क्यूब रूट ऑफ एन देन वी राइट एम इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, यानी कि हमने देखना है कि आपके पास गिवन नंबर कौन से 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आया, और वो जो 3 नंबर्स आपके पास होंगे जो बेस में वो जो नंबर है वो आपके पास क्यूब रूट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने स्क्वायर रूट को आपको बताया था ना कि थिंक ऑफ एज द रूट, देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लें, सोचें कि आपके पास ये जो स्क्वायर है ये किसका रूट था, यानी कि कौन सा नंबर यूज़ हुआ था इसको स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसी तरीके से क्यूब रूट में भी आप रूट को थिंक करें कि क्यूब बनाने के लिए हमें कौन सा रूट मिला था, कौन सा नंबर था जिससे हमने क्यूब बनाया था, तो वो जो नंबर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? क्यूब रूट कहलाएगा। अब आपके पास देखिए एक और एग्जांपल है, 343। अब यहाँ पे जो आपके पास है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया स्टूडेंट,
इसको हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास देखें 7 पर डिवाइड करें तो 49, 7 7s are 41, 7 49 and 7 1s are 7, इट्स मीन 3 times 7 gave 343। ठीक है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 343 आ, सो वी राइट इट्स 7 cube। द टेक क्यूब रूट ऑफ 7 इज द क्यूब रूट ऑफ 343। अच्छा जी स्टूडेंट, अब ये देखिए ये जो क्यूब रूट है, अब जैसे आपके पास स्क्वेयर रूट था तो उसको आप रेडिकल जो आपके पास था 1/2 हम कर लेते थे। अब देखें ये रेडिकल के ऊपर, यहाँ पे रेडिकल में आपके पास यहाँ पे 3 गिवन है, स्क्वायर में आपके पास 2 हम नहीं लिखते, वो रेडिकल ऑलरेडी स्क्वायर ही होता है, हाफ होता है, 1/2 उसका होता है। लेकिन जब हम क्यूब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम रेडिकल के साइन के ऊपर हम छोटा सा ये 3 मेंशन कर देते हैं कि ये क्यूब रूट है। तो ये क्यूब रूट आपके पास क्या शो करता है, 1/3। तो 1/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर रूट है आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाता है, 7। यानी कि 7 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 343। जब आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 2197। ठीक है, क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो क्यूब रूट क्या करते हैं, हम इसका क्यूब रूट ले लिया। अब क्यूब रूट, अब 2197, अब हमने इसको मेथड करना है, इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने परफेक्ट क्यूब के लिए भी की थी, हम यहाँ पे भी प्राइम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल आपने लर्न किए हुए हैं। हम चेक करते हैं प्राइम नंबर्स पे के नंबर आपके पास डिवाइड, देखिए अब यूनिट प्लेस पे 7 है तो इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर हम इसको प्लस कर लें तो हमारे पास 19 आ जाता है, 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई करें तो वो भी नहीं यूज़ होता, यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या आ जाए, 0 या 5, यहाँ पे 7 है। देन आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को प्लस करके उसका माइनस। तो अगर हम 8 और 11 माइनस 8 कर लें तो भी हमारे पास 0 नहीं आता या 11 पे डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हमारे पास रहता है वो 13 है, यानी कि 2197 डिविजिबल है 13 पे। तो हमने जब इसको 13 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 169 13s are 2197 आ गया। अब 169 है तो दोबारा से देखें हमारे पास वही डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते जाते हैं तो ये 13 पे ही डिवाइड होता है। ठीक है, 2 3 5 7 11 पे ये डिविजिबल नहीं है, 13 पे डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसको दोबारा से 13 पे डिवाइड किया तो 13 13s are 169। अब ये 13 है तो 13 1s are 13, इट्स मीन 13 3 टाइम गिव्स यू 2197। तो जब हम 13 को क्यूब ले लेते हैं और ये जो क्यूब रूट है ये आपके पास क्या कहलाता है, 1/3। 3 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाता है 13। इट्स मीन क्यूब रूट 2197 का क्यूब रूट क्या है, 13। यानी कि जो रूट है वो क्या है, 13 है। 13 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो 2197 आता। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने करने हैं क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपके पास थर्ड पार्ट है 3375। अब आपने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं 3375 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने प्राइम फैक्टर्स से ही इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें 3375 डिविजिबिलिटी रूल 2 नहीं अप्लाई होता, देन 3 पे आ जाते हैं, इसको प्लस कर लें तो 12
18 आ जाते हैं। 18 डिविजिबल बाय 3 है, तो हमने इसको 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, यानी कि जब हमने 1125 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब देखिए 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, लेकिन मेरे ख्याल से ये दोबारा से 3 पे ही डिविजिबल है, क्योंकि 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, इसका सम करें तो 9 आता है, तो हमने इसलिए 3 ले लिया। तो 375 को 375 से मल्टीप्लाई करें तो 1125 आते, या आप 1925 को 3 पे डिवाइड कर लें, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब दोबारा से यूनिट प्लेस पे 5 आ गए, लेकिन हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो जी ये 15 आ रहा है इसका सम, ये 3 पे ही डिवाइड हो रहा है। अब 125 आ गया, 375 को 3 पे डिवाइड करें तो 125 आ जाता है। अब 125 अब दोबारा से 3 के लिए चेक करें तो आपके पास 8 आता है, 8 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम 5 ले लेते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। अच्छा जी, अब 5 2 10, 2 5 25, अब आपके पास आ गया 25, 5 25 125। अब आपके पास दोबारा से 25 आ गया, यूनिट प्लेस पे 5 है, मीन्स डिविजिबल बाय 5, तो हम 5 5 5 25, देन 5 1 5। अब आपके पास हमारे पास क्यूब, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो परफेक्ट, ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये क्यूब पेयर्स होने चाहिए 3 के, तो ये अब देखिए 3 क्यूब आ गया और 5 क्यूब आ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम एंड 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, मीन अगर हम चाहें तो हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला ए, आपके पास आपने 7 में भी किया है एक्सपोनेंट में, ए पावर एम और एम और बी पावर एम, यानी कि ए और बी दोनों की पावर सेम हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर को एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बेस कर ली और पावर दोनों की सेम है एक्सपोनेंट, तो हमने 3 कर दिया। अब 3 5 15, अब 15 क्यूब, ठीक है, या 15 आ गया आपके पास, यानी कि 15 और रेडिकल क्यूब, क्यूब रेडिकल आपके पास क्या है 1/3, 15 क्यूब को आप मल्टीप्लाई कर लें इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल होगी, तो आपके पास आंसर 15 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की, आपने कैसे करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपने ले लें, देन उन प्राइम फैक्टर्स को ग्रुप 3 3 का होना चाहिए, आपने क्या करना है कि डेफिनेटली वो आपके पास 3 के पेयर बनेंगे, क्योंकि हमने क्यूब रूट हमें गिवन है ना, तो हमने परफेक्ट क्यूब का तो क्वेश्चन है कि सॉल्व करें कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो 100% जो नंबर गिवन है तो उसका क्यूब, उसका कोई रूट होगा, तो वो क्यूब आपके पास परफेक्ट क्यूब ही होगा, तो ये आपके पास आ गया आंसर 15। प्राइम फैक्टर निकालें और उसको इस मेथड से आपने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, -1331, अब क्यूब रूट आपके पास है -1331, माइनस को ब्रैकेट से बाहर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस माइनस इसके साथ है तो हम इसको अलग से कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है 1331, यानी कि अब आपको वही डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे स्टूडेंट आपने 6th क्लास में प्रेप 6 में डिविजिबिलिटी रूल आप लर्न करते रहे हैं 7 में भी, ठीक है ना, तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये की रोल प्ले करता है इन फाइन प्राइम फैक्टराइजेशंस में, ठीक है ना, जब आप एलसीएम लेते हैं या प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड करते हैं, तो ये जो वो डिविजिबिलिटी रूल जो हमने लर्न किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स तो आपके पास पता है कौन से, 2 3 5 7 2 3 5 7 11, ठीक हो गया ना, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं या 1 के टेबल में, इसके अलावा वो किसी पे डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1331, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो आपके पास क्या आता है, वो भी नहीं हो रहा क्योंकि 8 आ रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है, 1 है। 7 पे भी नहीं डिविजिबल, देन 11 चेक करते हैं,
तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यस, अ सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 4-4 आंसर 0 आ जाए। 0 या डिविजिबल बाय 11 हो तो वह नंबर 11 पर डिविजिबल हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे 11 ले लिया। 1121 आ जाए। अब दोबारा से वही सारे डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये 11 पे डिवाइड हो रहा था, हमने 11 ले लिया, यानी कि 11 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया आपको क्या देता है, 1331। हमने क्या किया, 11 क्यूब और रेडिकल की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्यूब को मल्टीप्लाई कर लिया 1/3 से, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर्स हैं, तो आपके पास -11 आ गया, यानी कि रूट आपके पास क्या है, -11। -11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1331, यानी कि सेम नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों ने इसको ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 1, 3 और 5 करवा दिया, आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपको शो भी कर दूँगी कि कैसे किया है और आप चेक कर लेंगे। अब आपको समझ आ गई ना, देखा ना डिविजिबिलिटी रूल हमारा कैसे यूज़ होते हैं हर जगह पे, तो बड़े नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल को लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है और आपको ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो काइंडली डू ऑल योर वर्क इन योर नीड कॉपीज एंड सेंड योर कॉपीज टू स्कूल सो वी चेक इट बिफोर योर असेसमेंट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।